सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं, प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको, उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए, एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी, पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है, मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूं, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई, उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम्। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां तीन चीजें ही घटती हैं, अकाल, मौत और भय। ये वहां की पूज्या, उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गई। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, ये जो विकास वर्सेस विनाश का प्रश्न है, ये आज मुंह बाए खड़ा है। वहां गंगा जी के ऊपर कितने बांध बन रहे हैं आप जानते हैं, योजना आयोग की चतुर्वेदी समिति ने गंगा, भागीरथी और अलकनंदा पर 70 बांधों की स्वीकृति दी है, 70 बांधों की। आज रेवती रमण जी यहां बैठे नहीं है, दो दो बार चर्चा कराई है इस सदन में उन्होंने, हम सब सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं। सभापति जी, गंगा हमारे लिए साधारण नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए माँ है। पता नहीं आप उस दिन थे सेंट्रल हॉल में कि नहीं, मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ था, इतना हर्षित हुआ था मन, जापान के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हुए जब गंगा जी का नाम लिया था तो गंगा मैया कहा था। वो लोग हमारी भावना की कद्र करते हैं, वो हमारी आस्था की कद्र करते हैं, वो गंगा जी को गंगा मैया कहकर संबोधित करते हैं और हमारे लोग गंगा मैया को सुरंग में डालने की योजना बना रहे हैं। गंगा जी की धारा अविरल बहे, गंगा जी की धारा निर्मल बहे, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन गंगा जी को जो लोग सुरंग में डालना चाह रहे हैं, उस उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएं सहनी पड़ रही हैं जिसका शिकार पूरे का पूरा देश बनता है। इसलिए मैं आज यहां खड़ी होकर यह कहना चाहती हूं, धारी देवी को पुनर्स्थापित करने का काम करिए। मैं यहां से मांग करती हूं, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए। जितना मर्जी पैसा उस पर खर्च हो चुका होगा, जो पैसा आपके राहत और पुनर्वास पे खर्च होने वाला है वो उससे कहीं कम होगा। जितना मर्जी पैसा खर्च हो गया हो, मत दिखाइए हमें वो एस्टिमेट्स, मत बताइए कि इतना पैसा खर्च हो गया। अमूल्य जिंदगियां जा रही है, खत्म हो रही हैं, पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव की कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, गृह मंत्री जी, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांध निरस्त कर दीजिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए।